सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। अखिलेश ने औरैया में जनसभा के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भाजपा का सफाया होगा और पहले चरण में ही किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझकर इन्हें हराने का काम कर दिया है। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि हम नया यूपी बनाना चाहते हैं और हमने जो काम शुरू किया था उसे सरकार बनते ही पूरा करेंगे। जिन्हें कानून व्यवस्था को नहीं मानना है वो सपा को वोट न दें। हराने के लिए और हराने के लिए तो ये मानने के सबने संकल्प ले लिया। पहले चरण में ही किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके इनको हराने का काम किया है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनका सफाया होना तय है। जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है, इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। हम तो कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के वादे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं।